अनचाही चीज का मिलना कभी खुश कर देता है तो कभी वही अनचाही चीज किसी खौफनाक सपने में तब्दील हो जाती है। तो आज हम कुछ ऐसे ही अनचाही सी मॉन्स्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसको देखकर अच्छे अच्छों की रूह कांप गई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जाइंट मैकोंग कैटफिश। अच्छा, क्या कोई मछली किसी बेयर से बड़ी हो सकती है? अरे सोचिए, क्योंकि जिस सी क्रिएचर से अब आप मिलोगे उसके बाद आपके ख्यालात बिल्कुल बदल जाएंगे, क्योंकि थाईलैंड में एक फिशरमैन को 9 फुट लंबी और 230 किलो वजनीय एक मछली मिली। यह मछली मैकोंग रिवर में पाई गई और वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई, क्योंकि यह पहली इतनी बड़ी मैकोंग मछली थी जो फ्रेश वाटर में पाई गई, क्योंकि फ्रेश वाटर में इससे पहले इतनी बड़ी मछली नहीं देखी गई थी। जाइंट स्क्विड। आपको पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का वो वाला सीन तो याद होगा जिसमें जाइंट स्क्विड पायरेट जैक स्पैरो की शिप को तबाह कर देती है। खैर वो तो VFX की हेल्प से बनाया गया था, लेकिन असल जिंदगी में भी विशालकाय स्क्विड होते हैं। एक जैपनीज फिशरमैन ने 13 फुट लंबे स्क्विड को पकड़ा। हालांकि यह तो एक जाइंट फिश पकड़ने निकले थे, लेकिन उनके जाल में एक 150 किलो का मेल स्क्विड फंस गया जिसकी हाइट 14 से 15 फुट थी, जो कि इसको एक सी मॉन्स्टर बना देती है। टू टोन्ड लॉबस्टर। अब आपने लॉबस्टर के बारे में तो बहुत सुना होगा, क्योंकि ये जहाँ दिखने में काफी अजीब लगता है वहीं कुछ लोगों को इसका स्वाद बहुत ज्यादा पसंद आता है। जहाँ लॉबस्टर्स मॉटल्ड ब्राउन कलर में देखे जाते हैं, तो वहीं एक फिशरमैन को एक लॉबस्टर एक नहीं बल्कि दो रंग का देखने मिला। आपको बता दूं, इस तरह के दो रंग के लॉबस्टर्स 50 मिलियन में एक बार पैदा होते हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, एक फिशरमैन को एक अल्बिनो लॉबस्टर भी मिला जो कि हर एक 100 मिलियन लॉबस्टर्स में एक बार पैदा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। टू हेडेड पॉपस। आपने दोसर वाले इंसानों को तो देखा होगा। क्या आपने दोसर वाले समुद्री जीवों के बारे में कभी सुना है या फिर कभी देखा है? अगर नहीं देखा तो आज देख लीजिए। जब ये मछली समुद्र में मिली तो उसे पकड़ने वालों की हालत टाइट हो गई, क्योंकि आज तक ना ऐसी मछली के बारे में कभी सुना था और ना कभी देखी गई थी। वैसे इस तरह की मछली को पकड़ना काफी ज्यादा रिस्की और क्रिमिनल एक्ट है, तो इस वजह से उन मछुआरों ने उस मछली को वापस से पानी में छोड़ दिया और उसकी कुछ फोटोज ले ली, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। स्लग। शायद ही आपने कभी कुछ ऐसा देखा हो। इस सी क्रिएचर को स्लग नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको ब्लू ड्रैगन और ब्लू एंजल के नाम से भी बुलाया जाता है, जिसकी वजह है इसका सुंदर रंग और बॉडी स्ट्रक्चर जो कि बिल्कुल एक ड्रैगन को रिजेंबल करता है, और ये पानी के सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग तैरा करता है। अगर इनकी साइज की बात करें तो ये बहुत ही छोटे होते हैं, ज्यादातर ये 1.5 इंच लंबे होते हैं। ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इन सी क्रिएचर्स के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।